कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप काम लोग खैरियत से होंगे तो आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट और वायरल न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं सऊदी अरब के हालात वाक्यात से वाखबर रहना चाहते हैं इस वीडियो को आप सबसे लेकर आखिर तक जरूर देखें सबसे पहली ख़बर आप लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि जवाजाद की तरफ से आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हरूक के हवाले से है यहाँ पर पाँच शर्तें बताई गई हैं सबसे पहली शर्त ये बताई गई है कि अगर डोमेस्टिक वर्कर का एह समाप्त है तो उस कंडीशन में जो डोमेस्टिक वर्कर का कफ़िल है वो हरूप नहीं कर सकता है जबकि आगे बताया गया है कि अगर कफिल ने एक मरतबा डोमेस्टिक वर्कर को हरूप कर दिया और उसको कैंसिल कर दिया और अगर वो दोबारा चाहे हरूप करना तो हरूप नहीं कर सकता है इसके साथ ही तीसरी शर्त यहाँ पर यह बताई गई है कि डोमेस्टिक वर्कर को हरूप लगाने के बाद कफिल के पास पंद्रह दिन का टाइम रहता है कि पंद्रह दिन के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो उसको ख़त्म कर सकता है चौथे नंबर पर बताया गया है कि अगर वर्कर का फाइनल एग्जिट लग चुका है फाइनल एग्जिट वीज़ा लग चुका है तो उसका हरूप नहीं लगाया जा सकता है जबकि पाँचवें नंबर पर बताया यह गया है कि अगर डोमेस्टिक वर्कर का हरूप लगे हुए पंद्रह दिन से ज़्यादा का वक्त तो गुजर चुका है तो उस कंडीशन में कफील हरूप को कैंसिल नहीं कर सकता है लेकिन हाँ यहाँ पर अगर वर्कर चाहे तो वो जाकर लेबर कोर्ट में केस कर दे कफील के ऊपर और अगर आपका फर्जी हरूप लगा हुआ है तो आप केस करके केस जीतने के बाद आप वो आप जो है वो हरुप को कैंसिल करवा सकते हैं इसके साथ अगली अपडेट यह है कि सऊदी जवाजात से एक शख्स ने सवाल पूछा कि मेरा बेटा सऊदी अरब से बाहर विदेश में पढ़ाई के सिलसिले में गया हुआ है जबकि बेटे का जो एकामा है वो समाप्त हो चुका है जानना यह चाहता हूँ कि क्या उसका एकामा ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा या नहीं तो इस सवाल का जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने कहा है कि हाल में सऊदी अरबिया के अंदर जो मौजूद फैमिली वाले हैं उनके लिए रूल्स जो है वो लागू किया गया है कि अगर फैमिली का जो मेन मुखिया है वो सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद है और उसका बेटा पढ़ाई के सिलसिले में शद्रव्य से बाहर मौजूद है और उसका एक समाप्त हो जाता है तो ऐसी सूरत में एकामा कैंसिल नहीं होगा बल्कि एक को जो है वो बढ़ाया जा सकता है और एकामा बढ़वाने के बाद जो एगज एंट्री वीजा है अगर वो समाप्त होने वाला है तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है यानी कि जो फैमिली वाले हैं अगर उनके बेटे श्रपिया से बाहर मौजूद है तो उनका एकामा ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल नहीं होगा लेकिन रीनील जो है वो कराया जा सकता है इसके साथ अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अंदर सोने के मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि 24 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत दो सौ रियाल जबकि 21 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत एक पचहत्तर रियाल और 22 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत एक सौ रियाल जबकि 18 कैरेट एक ग्राम सोने की कीमत एक रियाल में उपलब्ध है तो अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं और आप सोना लेना चाहते हैं तो अभी आप सोना जो है वो खरीद सकते हैं क्योंकि सोने की कीमतों में काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखी जा रही है इसके साथ अगली अपडेट ये है कि जैसा आप कि आपको कि सऊदी अरब जो है वो अब काफी ज्यादा तेजी से बदल रहा है काफी ज्यादा सऊदी अरबिया के अंदर बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है तो एक और वीडियो क्लिप जो है वो सामने आई है स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं आपको बता दें कि सौद्रबी के अंदर एक दुकान का ओपनिंग होता है यानी उद्घाटन होता है और उद्घाटन के मौके पर इन दो लड़कियों को जो है वो गाना गाने के लिए बुलाया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़कियां जो हैं वो गाना गा रही हैं तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें इसके साथ ही एक और वायरल न्यूज़ जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिफ्ट के हवाले से और और ये न्यूज़ जो है वो इंडिया की है बताया गया है कि एक हॉस्पिटल में जब मरीज को जो है वो लिफ्ट के अंदर ले जाया जाता है तो लिफ्ट जो है वो अचानक चालू हो जाती है और इस मरीज के दो टुकड़े हो जाते हैं जैसे तो इस मरीज के दो टुकड़े हो जाते हैं तो अगर आप लिफ्ट वगैरह में आते जाते हैं तो काफी ज्यादा आपको सावधानी जोखे बरतने की जरूरत है दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट इंपोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं जो दोस्त तो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं मेरे टॉपिक के साथ रखिए अपना ख्याल खुदा